इक्विलिब्रियम जीडीपी आर इक्विलिब्रियम इनकम टेबलर प्रेजेंटेशन। ओके स्टूडेंट, सो सीन केयरफुली। टेबल वन इलस्ट्रेट्स द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी इन टर्म ऑफ द इक्वलिटी बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर कैसे होता है। ओके, सो इक्विलिब्रियम जीडीपी इन टर्म ऑफ इक्वलिटी बिटवीन एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड। सो स्टूडेंट्स, इनकम जीडीपी रुपीस करोड़ में दिया हुआ है, एंड सी कंजप्शन, एंड आई ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट प्लान ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एंड सी प्लस आई इज इक्वल एग्रीगेट डिमांड। वाई वाई को ऑल्सो क्या कह सकते हैं हम, एग्रीगेट सप्लाई। व्हेन लेवल ऑफ इनकम जीरो, कंजप्शन मिनिमम लेवल आर ऑटोनोमस, एंड इन्वेस्टमेंट ऑल्सो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट। सो द व्हेन लेवल ऑफ इनकम जीरो देन कंजप्शन आर एग्रीगेट डिमांड इज मिनिमम लेवल। ओके, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दैट इज द कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ओके, नाउ व्हेन लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेस, सपोज जीरो टू ट्वेंटी, ट्वेंटी करोड़ टू फोर्टी, फोर्टी टू सिक्सटी, सिक्सटी टू 80, सो ऑल्सो कंजप्शन इज ऑल्सो इंक्रीजेस, कंजप्शन लेवल इज ऑल्सो इंक्रीजेस। सो एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, दैट इज द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, व्हेन लेवल ऑफ इनकम 20 करोड़, द कंजप्शन इज 40 एंड इन्वेस्टमेंट 20, सो 40 प्लस 20 60, नाउ द लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेस 40, तो सो एंड कंजप्शन इज 50, इन्वेस्टमेंट इज 20, तो 50 प्लस 20 इज इक्वल 70, एंड नाउ द लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेस 60, द कंजप्शन ऑल्सो इंक्रीजेस 60 एंड इन्वेस्टमेंट 20, तो सो 60 प्लस 20 इज इक्वल 80, द एग्रीगेट डिमांड एक्सपेंडिचर 80। ओके, 80 लेवल ऑफ इनकम 70 करोड़, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट 20, बिकॉज इट इज ऑटोनॉमस, दैट इज द रीजन ऑल आर इक्वल। ओके, नाउ द 70 प्लस 20, सो व्हेन लेवल ऑफ इनकम 100, लेवल ऑफ इनकम 100, कंजप्शन 80 एंड इन्वेस्टमेंट 20। ओके, तो लेवल ऑफ इनकम 100 एंड कंजप्शन 80 और इन्वेस्टमेंट कितना है 20, सो 80 प्लस 20 कितना हुआ 100 हुआ, सो दैट इज द रीजन लेवल ऑफ इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोथ आर इक्वल। ओके, व्हेन इंक्रीज इन 120 इनकम, कंजप्शन 90 एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट 20, कंजप्शन 110। ओके, सो दैट पार्ट इज द सेविंग पार्ट, 140, 120 एंड 120। ओके, नाउ इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक व्हेन प्लांट आउटपुट एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल प्लांट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल रुपीज 100 करोड़। तो यहाँ पर जो एग्रीगेट सप्लाई जो होगा वो एग्रीगेट डिमांड के बराबर कब होगा, व्हेन रुपीज 100 करोड़। इट नॉट नीड नेसेसरली कोरिस्पॉन्ड टू फुल एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो। ओके, नाउ इक्विलिब्रियम जीडीपी आर इक्विलिब्रियम इनकम, नाउ द ग्राफिक प्रेजेंटेशन, वाई एक्सिस लेवल ऑफ इनकम, वाई एक्सिस एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड, एक्स एक्सिस लेवल ऑफ इनकम। ओके, 45 डिग्री लाइन वाई आर एग्रीगेट सप्लाई आर लेवल ऑफ इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई फंक्शन। सो व्हेन द लेवल ऑफ इनकम जीरो, द ऑटोनॉमस द एग्रीगेट डिमांड इज अ कंजप्शन मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर। व्हेन इंक्रीज द लेवल ऑफ इनकम ऑल्सो इंक्रीज द लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर, सो द पॉइंट 100 एल ई एंड एल ई, दैट पॉइंट ई पॉइंट इज इंटरसेक्ट टू इच अदर एग्रीगेट डिमांड एंड लेवल ऑफ इनकम, दैट पॉइंट इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ओके, सो अकॉर्डिंग टू टेबल ऑलरेडी डिस्कस इन दिस टेबल, सो द नेक्स्ट
एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल सी प्लस आई, ओके, मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग मिनिमम सी एंड मिनिमम आई, 45 डिग्री लाइन वाई इज इक्वल एग्रीगेट सप्लाई, इक्विलिब्रियम इज स्टक एट पॉइंट ई वेयर एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल एग्रीगेट डिमांड. सो द पॉइंट ई इज अ इंटरसेक्ट टू ईच अदर एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड, दैट पॉइंट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट. ओके, नेक्स्ट, एग्रीगेट डिमांड लाइन इंटरसेक्ट द पॉइंट द 45 डिग्री एग्रीगेट सप्लाई एट द पॉइंट ई, सो दैट ई पॉइंट इज द दैट ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल एग्रीगेट डिमांड. ओ एल इज द इक्विलिब्रियम जीडीपी इन द इकोनॉमी. नाउ व्हाट द प्रोड्यूसर विश टू प्रोड्यूस इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट द हाउस होल्ड विश टू बाय इन द इकोनॉमी. ओके, आर दैट द डिजायर एक्सपेंडिचर ऑन आउटपुट इज इक्वल टू डिजायर लेवल ऑफ आउटपुट इज इक्वल 100. सो ऑलरेडी वी आर डिस्कस दैट पॉइंट. सो ऑल आउटपुट इज प्लान बाय द प्रोड्यूसर इज परचेस्ड बाय द बायर्स इन द इकोनॉमी. तो जितने भी आउटपुट प्लान की गई है उसको कौन खरीद रहा है? बायर्स के थ्रू परचेस किया जा रहा है इकोनॉमी के अंदर. देर आर नो अनवांटेड आर अनडिजायर्ड स्टॉक विद द प्रोड्यूसर. तो यहाँ तक हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है किसी प्रकार का अनडिजायर्ड स्टॉक नहीं है या अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है प्रोड्यूसर्स के थ्रू. ओके, नाउ द फाइंड द इक्विलिब्रियम हॉर्स क्वेश्चन. फाइंड इक्विलिब्रियम वाई वेन सी इज इक्वल 100, सी दैट इज मिनिमम कंजप्शन प्लस 0.5 दैट इज द एम पी सी एंड वाई एंड आई इज इक्वल 1000. सो इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक वेन वाई इज इक्वल एग्रीगेट डिमांड, ऑल ऑफ यू नो दैट, एंड वाई इज इक्वल सी प्लस आई. सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ सी एंड आई वी गेट वाई इज इक्वल 100 प्लस 0.5, 0.5 दैट इज द बी आर एम पी सी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर प्लस 1000. सो वाई माइनस 0.5 वाई वाई तो वाई माइनस 0.5 वाई इज इक्वल 100 प्लस 1000. ओके, सो 0.5 वाई वन माइनस 0.5 y इज इक्वल 1100. सो y इज इक्वल 1100 अपॉन 0.5, सो इज इक्वल 2200. ओके, नाउ ऑल्सो गिवन द क्वेश्चन नंबर 2, सो यू कैन सॉल्व इट. व्हाट हैपन इफ एग्रीगेट सप्लाई मोर देन एग्रीगेट डिमांड. ओके, वेन एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड, जब एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होगा एग्रीगेट डिमांड से तो क्या होगा? सप्लाई ऑफ गुड्स इज एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी टेंस टू एक्सीड देयर डिमांड. एज अ रिजल्ट सम ऑफ गुड्स वुड रिमेन अनसोल्ड. जब सप्लाई ज़्यादा हो रहा है डिमांड कम है तो निश्चित है कि यहाँ पर जो है गुड्स क्या हो जाएगा? सोल्ड हो जाएगा, बिकेगा नहीं. ओके, टू क्लियर अनवांटेड स्टॉक्स द प्रोड्यूसर वुड प्लान अ कट इन प्रोडक्शन. अब वो अनवांटेड जो स्टॉक्स हैं उसको क्लियर करने के लिए क्या करेगा? प्लान करेगा प्रोड्यूसर के थ्रू, तो प्रोडक्शन को कम करेगा, कट इन प्रोडक्शन. कंसिक्वेंटली एज वुड रिड्यूस टू बिकम इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड. और उसका परिणाम ये होगा कि जो अनवांटेड स्टॉक्स था वो धीरे धीरे निकल जाएगा क्योंकि प्रोडक्शन पे कम कर दिया, और वो किसके लेवल पे आ जाएगा? एग्रीगेट डिमांड के लेवल पे आ जाएगा. दिस इज हाउ एग्रीगेट सप्लाई एडजस्ट इटसेल्फ टू एग्रीगेट डिमांड. सो ब्रीफली इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड थ्रू अ चेंज इन आउटपुट और अ चेंज इन वाई. तो यहाँ पर जो आउटपुट होता है वो किस तरह से होगा? एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है तो प्रोड्यूसर्स ने क्या किया? प्लान प्रोडक्शन को कम कर दिया. प्रोडक्शन को जैसे ही कम किया तो उसका जो अनवांटेड स्टॉक था वो निकलने लगा डिमांड के अकॉर्डिंग, और एक समय ऐसा है कि दोनों जो है वो इक्वल हो गए, बोथ आर इक्वल एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड. व्हेन व्हाट हैपन इफ एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड. अब यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई कम है और एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड,
सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी टेंस टू बी लेस देन देयर डिमांड, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, द एग्जिस्टिंग स्टॉक्स ऑफ द प्रोड्यूसर वुड बी सोल्ड आउट एंड द प्रोड्यूसर वुड सफर द लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड। अब यहाँ पर जो था उनका एग्जिस्टिंग जो स्टॉक्स था वो तो डिमांड किया जा रहा है, उन्होंने पूरा सोल्ड आउट कर दिया, बट फिर भी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। टू रिब्यूल्ड द डिजायर्ड स्टॉक एंड अवॉइड द लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड द प्रोड्यूसर वुड प्लान ग्रेटर प्रोडक्शन। अब यहाँ पर प्रोड्यूसर जो है वो क्या करेगा, ज़्यादा प्रोडक्शंस के बारे में प्लान करेगा। सो एग्रीगेट सप्लाई वुड इंक्रीज टू बी बिकम इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, और जब तक करेगा जब तक कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर नहीं आ जा सकता। तो दिस इज हाउ एग्रीगेट सप्लाई कन्वर्जेस विद एग्रीगेट डिमांड। तो जब तक कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो एग्रीगेट डिमांड के इक्वल्स नहीं आ जाता है तब तक प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्शन करते रहता है। ऊपर हमने देखा कि किस तरह से एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा था तो प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन पे कट किया और यहाँ पर जो है प्रोडक्शन जो है बढ़ा रहा है। ओके दैट इज़ द रीज़न। ओके नाउ द नेक्स्ट टॉपिक एस एंड आई अप्रोच एंड इक्विलिब्रियम जीडीपी आर इक्विलिब्रियम इनकम। तो अभी तक हमने देखा एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड अप्रोच एंड इक्विलिब्रियम जीडीपी आर इक्विलिब्रियम इनकम। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीगेट एस एंड आई अप्रोच एंड इक्विलिब्रियम जीडीपी आर इक्विलिब्रियम इनकम। ओके स्टूडेंट्स।